गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास टेंथ, चैप्टर सेकंड, नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक फ्रीडम, मॉडर्न विद्या मंदिर हाई स्कूल. क्वेश्चन फर्स्ट, हु अटेंड द फ्रीडम सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता समारोह में कौन कौन उपस्थित हुए थे. द फ्रीडम सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फॉर एवर द देन 140th सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड. दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विश्व के 140 से अधिक देशों के राजनीतिज्ञ और नेताओं ने हिस्सा लिया था. व्हाई इज मंडेला अनेबल टू पे फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ दिस पीपल. मंडेला ने अपने लोगों के बलिदानों का भुगतान करने में असमर्थ क्यों हैं. मंडेला इज अनेबल टू पे द सैक्रिफाइस ऑफ दिस पीपल. मंडेला अपने लोगों के बलिदानों का भुगतान करने में असमर्थ हैं. इन दिस स्ट्रगल थाउजेंड्स ऑफ द पीपल अफ्रीका सैक्रिफाइड ऑफ देयर लाइव्स. क्योंकि इस संघर्ष में हजारों दक्षिण अफ्रीकियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया. दे हैड टू सफर ए लॉट. उन्होंने बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़े. सिंस द सफर्स आर नॉट देयर टू सी द ग्लोरियस एंड मंडेला. और इस शानदार दृश्य को देखने के लिए वो लोग जीवित नहीं थे. मंडेला इज अनेबल टू पे फॉर दिस सैक्रिफाइस फॉर दिस डे. इसका समर्थन का बलिदान का मूल्य चुकाने के लिए वो असमर्थ थे. व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज व्हेन ही वाज स्वॉर्न ऑफ द इन एज अ प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति की शपथ ली दिलाई गई तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया करी. व्हेन नेल्सन मंडेला वाज स्वॉर्न ऑन द इन एज अ प्रेसिडेंट. जब उनको राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, ही प्लेज टू ओबे एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस. उन्होंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने के लिए शपथ ली थी. ही ऑल्सो प्लेज. उन्होंने यह भी शपथ ली थी टू डिवोट हिमसेल्फ टू एज वेल टू बीइंग टू रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. वह लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और लोग स्वयं लोकतंत्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे. हाउ डज मंडेला कंपेयर द ऑपरेशन विद ऑपरेस्ड. उत्पीड़न सहने वाला, उत्पीड़न करने वाला, दो बातें यहाँ पे कंपेयर में तुलना कर रहा है वो किससे. ऑपरेशन ऑपरेस्ड, जो उत्पीड़न करता है, जो अत्याचार करता है और एक अत्याचार सहता है. मंडेला सेज दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन. उत्पीड़क और उत्पीड़ित में बहुत अधिक अंतर मंडेला जी ने नहीं बताया. बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबर्टी. दोनों को किसकी जरूरत है, आजादी की. वन फ्रॉम द चेन ऑफ हार्टेड. एक किसमें बंधा हुआ है, जंजीरों में, घृणा की, नफरत की जंजीरों में. एंड अदर फ्रॉम द चेन ऑफ द बॉडी. और दूसरा शारीरिक जंजीरों से. वट हार्म्स हैज बीन कॉज्ड बाय द पॉलिसी ऑफ एप्रिहाइटेड. एप्रिहाइट का मतलब रंग भेद की नीति. रंग भेद का मतलब गोरे और काले की नीति. क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर गोरा और जो काला लोग जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी. वहां ऐसा था कि अगर जिस टैप से, टैप मीन्स नल, जिस नल से गोरे लोग ने पानी पी लिया वहां काले लोग पानी नहीं पी सकते थे. जिस पार्क में काले लोग के बच्चे खेल रहे वहां गोरे लोगों को जाना अनुमति नहीं थी. जिस बस में काले लोग चढ़ गए वहां बस मीन्स उसमें पूरी तरह से रंग भेद था. तो यहाँ पर बताया उनको क्षति पहुंचाई गई वो क्या थी. The policy of apartheid was caused by the loss of the native of the South Africa. रंगभेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अत्यधिक क्षति पहुंचाई. It spread the conscience of the hearted among the people. लोगों के बीच में नफरत का जहर घोल दिया. It created a deep and lasting wounding. यह एक गहरा स्थायी घाव पैदा कर दिया. It native had to work together for years to get rid of this wound. और इस घाव को छुटकारा पाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर मिलकर उन्हें संघर्ष वर्षों तक कार्य करना पड़ा. अब बताते हैं वो इसमें क्वेश्चन से बेटा. नेक्स्ट जो आपके सामने आता है, व्हाई डज मंडेला एड्रेस टू फ्रीडम एज न्यू बॉर्न लिबर्टी. मंडेला स्वतंत्रता को नवजात स्वतंत्रता कहकर क्यों संबोधित करते हैं. तो यहाँ पे वो बताता है, मंडेला बताते हैं, मंडेला एड्रेस दिस फ्रीडम एज न्यू बॉर्न लिबर्टी. इस स्वतंत्रता को वो नवजात स्वतंत्रता कहते हैं. इट इज बिकॉज, क्योंकि द पीपल हैड टू फेस ए टेरिबल डिजास्टर ऑफ द रैशनल हार्टेड. क्योंकि लोगों को जातीय घृणा जो थी वो भयंकर तबाही का सामना करना पड़ता था. दिस डिजास्टर्स लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो तबाही काफी लंबे समय से चली आ रही थी. इट्स टुक मेनी लाइव्स. उन्होंने अनेक जाने ली थी. नाउ दे आर फ्री फ्रॉम ऑल सच थिंग्स. अब ऐसी चीजों से वो मुक्त थे. तो सी सो ही कॉल्स दिस फ्रीडम एज न्यू बॉर्न लिबर्टी. इसलिए उन्होंने इस स्वतंत्रता को नवजात स्वतंत्रता का नाम कहकर संबोधित किया है. अब यहाँ पे बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता, शॉर्ट क्वेश्चन ही है हमारा ही. उसने बताया है कि व्हाट टू ऑब्लिगेशन डज द ऑथर टॉक अबाउट इट. कि यहाँ पे जो
टू ऑब्लिगेशन, टू ऑब्लिगेशन का मतलब दो दायित्व हैं, किस किस के हैं, हाउ डज ही फील अबाउट देम, आप उसको कैसे महसूस करते हैं. द ऑथर टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो दायित्वों की बात करता है. द फर्स्ट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, पहला दायित्व उसको अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति. द सेकंड, दूसरा दायित्व इज द ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री अपने देश के प्रति. ही सेज दैट इन अ सिविल सोसाइटी वी ईच वन ऑफ द वन ऑफ अस शुड फुलफिल दिस टू ऑब्लिगेशन, कि यहाँ पे हम सभी संसार जो नागरिक लोग हैं, हम एक समाज में रहते हैं और हम सभी समाज में रहकर एक दूसरे दायित्व को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम दोनों दायित्वों को साथ लेकर चलते हैं. He regrets that during the era of the operations, no one South Africa could fulfill these obligations. ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि हम इसके बिना दूसरे कार्य को कर सकें. Any person who tried to like live like a human being was punished. कि यहाँ पर कोई भी आदमी जो चाहता है कि दूसरे व्यक्ति को, मानव जाति को परेशान करे, वो ये क्या है, गैर कानूनी है, पनिश उसकी सजा है. मंडेला वॉज इसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एज वेल एज ए सोसाइटी, क्योंकि वो अपने परिवार को पूर्व वाकिफ थे जिस समाज में वो रहते थे. सो ही कुड नॉट फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो अपनी ऑब्लिगेशन दायित्व पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सामने बहुत सारी बाउंड्रीज थी. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, नेल्सन मंडेला पुट हिज फैमिली ऑफ दिस कंट्री मैन, वो एक देशवासी बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे. बट लेटर दे डिवोटेड हिज लाइफ टू फ्रीडम टू द पीपल फॉर स्लेवरी, और उस चीज से उन्होंने, स्लेवरी मींस जो एक सतह होती है, उससे उठकर उन्होंने अपने देश के लोगों की सेवा की और आजादी के लिए प्रयोग किया. ही विशेस को कहते हैं दैट एवरीवन इन साउथ अफ्रीका शुड फुलफिल दिस ट्विन ऑब्लिगेशन, और हर कोई व्यक्ति अपने इन दोनों भागों को, इन दोनों दायित्वों को पूरा करेगा. अब आप ये बेटा 10th उसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है. How does Nelson Mandela describe the scene of the inauguration? Inauguration means उद्घाटन समारोह का दृश्य कैसा था? Nelson Mandela says that the inauguration took place in the 10 May. ये जो समारोह था, ये कब हुआ था? 10 मई को. The day was bright and clear. यह दिन बहुत ही शानदार, चमकदार था. A huge gathering of the international leaders. बहुत अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हुए थे. In the patriot or to mark and the end of the white supremacy. और यहाँ पे जो लोकतंत्र, स्वतंत्र थी, जो वहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठे हुए वहाँ पेट्रोट बिल्डिंग पर. The ceremony took place in the is big open building in the Petrodium. Petrodium एक open building, बहुत बड़ी समारोह इमारत थी, उसमें समारोह को complete किया गया. When the ceremony began, जब वो समारोह start हुआ, Mr. M. R. D. Clark was sworn in the second deputy president. और जो M. R. D. Clark थे, उन्होंने second deputy president उपराष्ट्रपति की उन्होंने शपथ ली वहाँ पर. Then M. R. Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. और तब वहां पे उन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंट की फर्स्ट उपराष्ट्रपति की उन्होंने शपथ ली. देन तब इट वाज नेल्सन मंडेला, तब नेल्सन मंडेला की बारी आई. ही वाज स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तब जाके उन्होंने भारत, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की शपथ ली थी. ही प्लेज टू ओवे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि वह शपथ लेते हैं कि अपने संविधान का पालन करेंगे और उनके कर्तव्य को बनाए रखेंगे. He dedicated himself to the well-being as a people, और अपने आप को लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे. After the ceremony, जब उद्घाटन समारोह हो गया, there was particular show by the jets, defenses and police force. तब वहाँ पर प्रदर्शन किया गया किसके द्वारा, jets, हवाई जहाजों के लिए, defenses, police force के द्वारा. The show symbols the military of the loyalty of democracy. और यहाँ पर वो सब चीज हमें प्रकट करता है कि जो क्या हुआ, कि जो सामने हमने देखा कि उनको देखकर वो बहुत ज्यादा अचंभित हो गए कि आज नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति हैं, उस समय पहले उनको ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था. थैंक्स बेटा.